हमीरपुर में प्रेस क्लब द्वारा सामे गजल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग के अरण्यपाल अनिल जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश कंवर, पंकज भारती, सुशील शर्मा, एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा, संगीता चंदेल, खेल विभाग के राजेंद्र कुमार, कांग्रेस नेता विनोद ठाकुर, SCPWD AP सिंह व तमाम पत्रकार मौजूद रहे। सामे गजल समारोह में अजय कुमार ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा और सभी का भरपूर मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और बैडमिंटन में देश का नाम चमका चुके राजेंद्र कुमार को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने सभी पत्रकार बंधुओं को समारोह की बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन के साथ जुड़ने की, इससे हम सभी मिलकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज इस शाम में मैं देख रहा हूं कि सभी पत्रकार बंधु और कुछ महिला साथी जो कि पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, एक बड़ा अवसर है आप सभी से। पत्रकार और पुलिस वाले तो अक्सर बहुत ही बोलते रहते हैं, पर इस तरह का अवसर कम ही होता है। बहुत अच्छा आयोजन है, आई विश की मैं रुक पाता और जो गजल का प्रोग्राम है इसको मैं ज्वाइन कर पाता, देख पाता, लेकिन कुछ कारणों के वजह से मुझे जाना पड़ेगा। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं, आपके कार्य की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के आयोजन केवल एक आयोजन बन के ना रहे, भविष्य की आपकी रणनीति लोकतंत्र और जनता के प्रति आप आते हैं उसमें अपने विचार साझा करने का एक मंच बने चीजें, और जिस तरह की आप जिला प्रशासन को बुला रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम भी अपने विचार रख पाए, आप लोगों से हम जुड़ पाए, आप हमसे जुड़े और एक बेहतर लोकतंत्र बेहतर समाज के लिए हम साथ में काम कर पाए। आज इस अवसर पर मैं राजेंद्र जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने एक बहुत छोटे से जिले से बाहर निकल के भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को भारत को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी कोचिंग का लाभ जरूर मिलेगा, भारत खेलों में और अच्छा करेगा और लाखों हजारों युवा इनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। वहीं बैडमिंटन कोच राजेंद्र कुमार ने कहा कि जो आज उन्हें सम्मान दिया है इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने जो मान सम्मान मुझे दिया है जीवन की समृद्धियों में इन पलों को समृद्ध करने के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं और ये विशेष उपलब्धि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि जो है इसे मैं ज्यादा तजुर्बो नहीं देता, लेकिन इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ और जीवन में महसूस करता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने आप लोगों के दिलों में जगह बनाई है, आपने मुझे प्यार दिया है और उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद।
करते रहे और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे एक दूसरे के साथ मिलते रहे। खेल के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और खेल की बात ज़्यादा समझता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। बहुत पहले से जुड़ा हूँ और आदमी गढ़वालिया जी मेरे को जानते हैं बहुत पहले से। मैं दिव्या हिमाचल के लिए भी अपनी तरफ से कोई ना कोई खेल की अपनी विवेचना अपने विचार दिया करता था। आज विशेष बात यह है कि एक छोटी सी जगह में आपने बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया है और एटलीस्ट आपने मेरी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ।